Welcome to the pit side show, and uh, it's a great pleasure to have Naseem Shah here with us, who has been one of the main guys today in terms of orchestrating that win for Kuwaiti Gladiators. What a win for them as well! Just as the start of the match, Arooj Mumtaz has also joined us. Nasim, वही मैं jo बात कहना चाह that just कि जिस तरह से Gladiators ने शुरू में got early breakthroughs, uske baad recovery. what ke? generally you must be feeling really happy ke. उस वक्त लग नहीं रहा था कि मैच में वापस आ सकें लेकिन आ गए आई थिंक सबसे पहले आ, ये कहूँगा कि क्रेडिट जाता है बैट्समैन को जो अर्ली ऑन उनको ब्रेक थ्रू मिली है और आ, टीम अंडर प्रेशर आई है हमारी लेकिन जैसे इफ्तार बीच में केला है और उसके बाद कप्टेल आउटस्टैंडिंग केला है तो क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो उनको और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आसान नहीं था जैसे आप देख रहे इतना ज़्यादा ड्यू पड़ रहा है और बॉल गीला हो रहा था तो उस पर आपके पास बहुत कम चांस होता है अब यॉर्कर तो आप जब भी यॉर्कर करने जाते हैं तो बॉल स्लिप होता है हाथ से और फुल टॉस हो जाता है तो आई थिंक स्पिनर्स uh, को बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने गीले बॉल के साथ इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसके अलावा हसनैन ने जिस तरह बॉलिंग की है स्मिथ ने जिस तरह बॉलिंग की सबको क्रेडिट जाता है क्योंकि मुश्किल होता है इस तरह 170 टारगेट यहाँ पे

और आई थिंक अब होना है अब सारी जिंदगी तो छोटा नहीं रहना ये बात भी ठीक है अब सिर्फ उम्र में नहीं बट बोलिंग के तजर्बे में भी बड़े हो गए पाकिस्तान टीम के भी बोलिंग अटैक को अब लीड करते हो मिच्योर हो गए और मेरा मेरा ये मानना है कि जो हमारे पास फास्ट बोलर हैं उसमें बहुत ज्यादा तुमने प्रोग्रेस किया है मिच्योरिटी लेवल से अठारवा ओवर किया था उसमें सिर्फ पाँच रन दिए उस वक्त गेम की सिचुएशन ऐसी थी कि अगर उसमें ज्यादा रन पड़ जाते तो लास्ट टू ओवर में चेस होता तो उस वक्त क्या प्लान था सिंपल सा प्लान था क्योंकि Uh, सबसे पहले तो ये कोशिश कर रहा था कि मैं डॉन और मैं डॉफेले को मैंने कहा था कि आप लोगों ने आप लोगों की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है कि बॉल को आपने सुखाना है जल्दी <laughs> yes. से और टाइम भी नहीं था हम हम शॉर्ट थे आई थिंक चार पाँच मिनट हम yes. लेट थे तो वो जल्दी में उनके पहले ये था और बाकी ये सिंपल सा प्लान था कि uh, बॉल स्किट हो रहा है तो कोशिश करूंगा अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करूं और रसलोवन जो था वो आ, वो इतना अच्छा इफेक्टिव एफ, नहीं था क्योंकि बॉल गीला था और वो स्किट हो रहा था तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे गया यॉर्कर किए मैंने और लेंथ बॉल किया जिसमें मैं सक्सेस मिली अच्छा ये बताओ अभी तुम्हारी दो दिन पहले बर्थडे भी थी अरूज ने कहा कि अब ये बड़ा हो गया तो तुम वाकई बड़े हो गए हो तो ये बताओ कि ये जो सीजन है अभी तक देखा एक क्रिकेट का सीजन चल रहा है एक शादी का सीजन साथ साथ चल रहा है तो क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है और साथ साथ सबकी शादी भी हो रही है तो तुम्हारा भी कोई इरादा है ये ना हो कि कल पता चले कि जी नसीम शाह भी अब इतने नहीं, बड़े तो नहीं 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 अब है खत्म हो <laughs> और जब शादी का टाइम आएगा तो इनशाला शादी कर लेंगे अच्छा चले मुझे ये बताओ की ऑन अनादर नोट क्रिकेट की थोड़ी सी वापस बात कर लेते हसनैन के साथ मजा आता है बॉलिंग कराने का बड़ा एक पेयर है तुम दोनों का हसनैन से भी मैंने यही सवाल पूछा था कितनी देर से तुम लोग दोनों जो हो कोयटा ग्लाडिएटर्स का एक डुओ बना हुआ है डू यू एंजॉय बॉलिंग विद हिम नहीं देखे ऑब्वियसली जब आपके साथ बॉलर होता है आपके आप उनके साथ अंडर 19 वगैरह खेले होते हो तो थोड़ा सा इजी होता है उनसे बात करने में और जब पिच देखते उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक uh, uh, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की और वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आई uh, थिंक uh, मैं यही कहूँगा कि जब भी हम uh, मिलते हैं तो हम uh, डिस्कस करते हैं uh, एक दूसरे को चीज़ें बताते एक दूसरे से भी काफ़ी सीखने को मिलते हैं तो आई थिंक uh, जबरदस्त बोलिंग अरूज अगर हम नसीम की एवोल्यूशन को देखें

In terms of not just skill but maturity as well, and that's why he's taken the reins of the Pakistan bowling. Um, Umar, mein, I think Umar's cricket se taaluk kabi kabi because players are people are born differently. They react differently. They grab onto opportunities differently. So Nasim ki yeh when ki jab wo nye -nye PSL aaye excited just baati. But very quickly, inhone international cricket ki requirement ko samjhai. आई uh, थिंक अपनी बॉडी मैकेनिक्स पर इन्होंने काम किया है कि इंजरीज से भी कैसे दूर रहना है एंड रीडिंग ऑफ द गेम और जो इनकी स्किल के ऊपर एग्जीक्यूशन के जो कॉन्फिडेंस है वो आई थिंक इनके अब डिमीनर में भी नज़र आता है विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट मुझे हमेशा इनको देखकर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जिस जिस तरह से इनका करियर पाथ इवॉल्व हुआ है जिस तेज़ी से uh, तो आई थिंक ही विल इनशाला गो अ वेरी लॉन्ग वे एंड वेरी अफेक्टिवली फॉर पाकिस्तान यू यू स्पोक अबाउट स्किल तो स्किल के बारे में अभी आपने जिस तरह मैंशन किया कि ड्यू में जब ड्यू होती है तो यॉकर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ऐड की हैं अपनी बोलिंग में लास्ट वन ईयर और सो यू नो कोई ऐसी वेरिएशन जो आपने सीखी हो या कोई ऐसी स्किल जो सीखी हो जो आपने अपनी बोलिंग में मजीद ऐड की हो देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जितना आप खेलते हो आप सीखते हो और आ, मैं जाता हूँ दुनिया के आ, जो आप मुख्तलफ लीग्स खेलते हो उसमें आप बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखते हो क्योंकि सेम प्रेशर होता है आप अपने रिस्पेक्ट के लिए खेलते हो कि मुझे अच्छा करना है और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की कंडीशन मिलती हैं जैसे आपने ड्यू की बात की तो इसी तरह की कंडीशन अभी बांग्लादेश में थी आ, तो उसी में भी ये था कि जब आपके पास पेस होता है तो गीले बॉल में है कि स्किट होता है तो आपको अच्छी लेंथ पे बॉल करनी होती है अगर आप अच्छी लेंथ से थोड़ा सा हिलते हो तो आपको बाउंड्री आसानी से लगती है क्योंकि वो स्किट हो रहा होता तो है तो आई थिंक यही चीज़ें कि जितना आप आ, खेलते हो आप सीखते हो और सिर्फ आ, ये नहीं होता कि आपको तेज़ बॉल करना है आपको तेज़ बॉल के साथ आपको देखना है बैट्समैन के कौन से अच्छे शॉट हैं और आपने अपने वेरिएशंस को यूज़ करना है तो आई थिंक आप जब डेली बेसिस पे खेलते हो तो आप सीखते हो चीज़ें कल रुमान रईस आया था वो बड़ी सेंसिबल बातें कर रहा था आज तुम हो तुम बड़ीबल बातें कर रहे हो एकदम से जो है मतलब मजा आ रहा है बात करने का, इतनी हो बट थोड़ी सी बॉलिंग के अलावा ये बताओ कि बैटिंग भी हो रही है प्रैक्टिस अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े अच्छे छक्के मारे थे देखिए आई थिंक मैं ये कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको आपको बैटिंग इतनी आनी चाहिए कि लोग आपसे उम्मीद रख सके कि ये ना हो कि समाइम ऐसे होता है एज अ ट आप जब खेलते हो एज अ बॉलर तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जब ओवर में पंद्रह रन चाहिए कुछ चाहिए इस तरह के और आ, क्राउड बैठे तो चले जाते हैं कि यार अब तो लास्ट में ना ये कहाँ से कर सकते तो आई थिंक इतनी बैटिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इतनी आनी चाहिए कि आपको आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि हाँ यार मैं इतने स्कोर कर सकता हूँ लास्ट में अगर आपकी टीम को आप 15-20 रन्स करके देते हो टी में दो दौर में और आप एक आधा चक्का मार लेते हो चौके मार लेते हो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टी क्रिकेट में तो इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ चले थैंक यू अरूज एनीथिंग इन पर्टिकुलर यू लाइक टू सी फ्रॉम नसीम शाह कोई ऐसी चीज जो आपने सोची हो कि You know pifer yeah, just become too sensible which is <laughs> 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 sensible ho Very <laughs> ho hey, sensible. sensibility Very to sensible Very sensible. very sensible thank you so much Naseem. i know that you're very tired but uh, brilliant performance uh, all round from Naseem shah and plenty more uh, coming up uh, in in the on the other side